महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार रहे मौजूद। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा शिंदे नाराज नहीं। शिंदे ने महायुति के बड़े नेताओं को कहा है जो फैसला लेंगे मंजूर है। पीएम और अमित शाह का फैसला तीनों नेता कबूल करेंगे। बिहार विधानसभा के गेट पर पोस्टर थामे दिखे तेजस्वी यादव। अन्य विपक्षी सदस्यों के साथ स्मार्ट मीटर का विरोध और आरक्षण की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार असेंबली के बाहर किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करते हुए कहा इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 28 नवंबर को रांची जाएंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। हेमंत सोरेन के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। टीएमसी को लेकर बोले दिलीप घोष, ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो कहेंगी करेंगी वही होगा। एक बार उन्होंने हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डामाडोल हो जाएगी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिक्का जारी किया गया। संविधान सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्के के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि संविधान गाइडिंग लाइट है। प्रधानमंत्री ने कहा यह सिर्फ अनेक अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, संविधान हजारों साल पुरानी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा लोकतंत्र की शक्ति हमारा संविधान, मोदी जी ने की थी संविधान दिवस मनाने की शुरुआत। संविधान दिवस पर अमित शाह का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा संविधान सिर्फ मंचों को दिखाने में के लिए एक पुस्तक नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कांग्रेस को संविधान से क्या लेना देना, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए सीजेआई संजीव खन्ना, कहा स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह का खुलासा, बोले देसी पिस्टल की गोली से मौत हुई, प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काई गई, पुलिस की गोली से नहीं हुई मौत। संभल हिंसा पर दर्ज एफआईआर में पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग का जिक्र। आंसू गैस के गोले दागे गए, लूटे गए और एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई। संभल जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात का कार्यक्रम। सपा के हिंसा भड़काने के आरोपों पर केशव मौर्य का पलटवार, जो खुद हिंसक वो ऐसी बातें ना करें, उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश को मिर्ची लगी। अखिलेश यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश के डीएनए में ही संविधान विरोध, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं।